जय श्री कृष्ण मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा अवश्य देख लें। मित्रों, किसी गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। उसके घर में एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान लड़की थी। किसान की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी, इसलिए वो कहीं बेटी का विवाह नहीं कर पा रहा था। उसके घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता था। एक दिन लड़की ने सुना कि यहाँ का जो राजा है वो अपने दरबार में चार प्रश्न पूछता है। उसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर बताने वाले को राजा 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देता है, और जो नहीं बता पाता है उसको राजा समय खोटा करने के जुर्म में 10 कोड़े भी मारता है। बेटी ने कहा, पिताजी आप परेशान ना हो, तुम आज राजा के दरबार में जाना और ये देख कर आना कि राजा क्या प्रश्न पूछता है। उन प्रश्नों को तुम एक कागज पर लिख कर ले आना, मैं तुम्हें उन प्रश्नों के उत्तर बता दूंगी, तुम उनको जाकर राजा को बता देना, तो राजा तुम्हें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे देगा, जिससे तुम मेरी शादी भी कर सकोगे। बेटी की बात सुनकर पिता डर गया। कहने लगा, बेटी तुमने राजा की एक शर्त तो सुनी है कि वो बताने वाले को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देता है, तुमने उसकी दूसरी शर्त नहीं सुनी कि वो ना बताने वाले को 10 कोड़ों से भी सम्मानित करता है। यदि मैं राजा के प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पाया तो वो मुझे 10 कोड़े मारकर दरबार से निकाल देगा। न जाने कितने लोग जो धन पाने की लालसा में राजा के दरबार में जाते हैं और उसके कोड़े खाकर चले आते हैं। पिता की बात सुनकर बेटी बोली, पिताजी एक बात ध्यान रखो, जो बुद्धि भविष्य में आपके नाश का कारण बने उसे अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, और उस धन का भी बहुत सम्मान करें जो आपकी उन्नति कराने वाला हो। जो नुकसान आपकी वृद्धि कराने वाला हो वो नुकसान नहीं है, पर वो लाभ भी नहीं लेना चाहिए जिससे बहुतों का नाश हो। इस प्रकार बेटी के समझाने पर किसान राजा के दरबार में गया और राजा के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को एक कागज में लिख लाया। राजा का एक नियम था, जब तक कोई उन प्रश्नों के उत्तर नहीं देता था तब तक वो नए प्रश्न नहीं पूछता था। किसान उन प्रश्नों को लिखकर अपनी बेटी के पास पहुंचा। बेटी ने देखा कि राजा ने 3 प्रश्न पूछे हैं। पहला, ऐसी चीज क्या है जो रोग नहीं है पर दर्द देती है, दवा नहीं है पर कड़वी है, धातु नहीं है पर कठोर है, आग नहीं है पर गर्म है, शस्त्र नहीं है पर तीखा है, जो पुण्य भी है और पाप भी है, कुछ लोग उसे पीते हैं और कुछ लोग नहीं। दूसरा प्रश्न था कि सबसे मीठी चीज क्या है, और तीसरा प्रश्न था कि सबसे नरम चीज क्या है। प्रश्नों को अच्छी तरह समझकर बेटी ने पिता को उनका अर्थ समझाया और राजा के पास उन्हें भेज दिया। अब तो गरीब किसान डरते डरते राजा के दरबार में पहुंचा और लाइन में जाकर खड़ा हो गया। सोचने लगा, उन्नति चाहिए तो जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। कहते हैं धनवान बनने के मार्ग में ये 6 चीजें ही रोड़ा बनती हैं। पहला आलस्य, दूसरा स्त्री की गुलामी, तीसरी बीमारी, चौथा अपने गांव से प्यार, पांचवा संतोष, छठवा बुजदिली। इस प्रकार वो किसान राजा के दरबार में खड़ा खड़ा सोच रहा था। एक एक करके सारे लोग राजा के प्रश्नों का जवाब दे रहे थे, पर राजा साहब उनसे संतुष्ट नहीं हुए। शर्त के अनुसार राजा ने सब में 10-10 कोड़े लगाने का आदेश दिया। यह देखकर किसान और भी ज्यादा डर गया। जब उसका नंबर आया तो राजा उसकी हुलिया देखकर ही समझ गया कि यह बेचारा क्या जवाब देगा। फिर भी उसने अपने 3 प्रश्न किसान से पूछे। पहला प्रश्न था कि ऐसी चीज क्या है जो रोग नहीं है पर दर्द देती है, दवा नहीं है पर कड़वी है, आग नहीं है पर गर्म है, शस्त्र नहीं है पर तीखा है, धातु नहीं है पर कठोर है, कुछ लोग उसे पी लेते हैं और कुछ लोग उसे नहीं पीते। किसान बोला, महाराज तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर है क्रोध। क्रोध आने पर मनुष्य को बिना रोग के सरदर्द होने लगता है। क्रोध उठने पर स्वयं को तो पीड़ा होती है, सामने वाले को आपके शब्द बहुत कड़वे लगते हैं। अत्यंत क्रोध में होने पर मनुष्य का हृदय वज्र की तरह कठोर हो जाता है, आग की तरह उष्ण हो जाता है, भाला की तरह नुकीला हो जाता है। क्रोध में कहे गए शब्द और सुने हुए शब्द बहुत तीक्ष्ण होते हैं। क्रोध से अक्सर
अनर्थ ही होता है। कभी कभी क्रोध सत्य की, मानवता की रक्षा के लिए पुण्य भी कहलाता है। सज्जन पुरुष सदैव क्रोध को पीते रहते हैं और दुष्ट पुरुष इसे पान नहीं कर पाते। किसान के मुख से उत्तर सुनकर राजा सहित सभी दरबारी किसान की बाबाह करने लगे। राजा ने अपना दूसरा प्रश्न दोहराया कि सबसे मीठी चीज क्या है। किसान बोला, महाराज सबसे मीठी चीज है नींद। जब अत्यंत गहरी नींद आती है तो उसके सामने चाहे कितने ही स्वादिष्ट पदार्थ रख दो, वे सब अर्थहीन होते हैं। उस समय मनुष्य नींद को ही सबसे बड़ा सुख मानता है। तीसरा प्रश्न है कि सबसे नर्म चीज क्या है। किसान बोला, राजन इसका उत्तर है कल्पना। मनुष्य कल्पना करके वहां भी जा सकता है जहां वो हकीकत में नहीं पहुंच सकता। कल्पना से मनुष्य पहाड़ों को भी तोड़ सकता है, अंतरिक्ष में भी उड़ सकता है, बड़े बड़े कामों को बड़ी आसानी से कर डालता है, बड़े बड़े युद्ध जीत सकता है। कितना ही कठिन काम क्यों ना हो, कल्पना से वो बड़ी आसानी से हल कर देता है, क्योंकि उसमें कुछ करना तो है नहीं, सिर्फ कल्पना करना है, और कल्पना करना बहुत आसान है। किसान के मुख से अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ, परंतु वो ये समझ गया कि इन प्रश्नों के उत्तर देने वाला ये किसान नहीं है बल्कि कोई और है। राजा ने थोड़ी सख्ती से किसान से पूछा कि ये बताओ, तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर किसने बताए। किसान ने डरकर सारी बात बता दी कि महाराज इन प्रश्नों के उत्तर उसको उसकी बेटी ने बताए हैं। राजा ने किसान से कहा, जाओ मैं इन प्रश्नों के उत्तर बताने का इनाम तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हारी बेटी को ही दूंगा जब वो स्वयं कल मेरे पास आएगी। पर मेरी ये तीन शर्त हैं, जब वो मेरे पास आए तो उस समय वो ना तो कपड़े पहने हो और ना बिना कपड़े के हो। दूसरी शर्त ये है, ना तो वो किसी सवारी से आए और ना वो पैदल आए। और तीसरी शर्त ये है, जब वो आए तो कोई ना कोई भेंट लेकर आए और भेंट लेकर भी ना आए। मित्रों, राजा की शर्त सुनकर किसान का दिमाग चकरा गया, वो चिंता में डूब गया और बेटी के पास पहुंचा। पिता को उदास देखकर बेटी ने पूछा, पिताजी क्या हुआ, आपके द्वारा बताए गए उत्तर गलत थे क्या, कहीं आपको राजा ने कोड़े तो नहीं मारे, आप उदास क्यों हो। पिता बोला, बेटी तुम्हारे द्वारा बताए गए जवाब तो सही थे, पर राजा ने उन्हें इनाम कुछ नहीं दिया बल्कि और उलझन में डाल दिया। अगले दिन तुम्हें दरबार में बुलाया है और उसकी ये तीन शर्तें हैं कि तुम अगर दरबार में जाओ तो न पैदल जाओ, न सवारी से, न कपड़े पहनकर, न बिना कपड़ों के, और उससे मिलने जाओ तो कोई ना कोई भेंट होनी चाहिए और भेंट नहीं भी होनी चाहिए। बेटी बोली, बस इतनी सी बात है, तुम चिंता ना करो, मैं कल राजा की तीनों शर्तों को पूरा करते हुए उसके पास जाऊंगी। तुम एक काम करना, तुम अभी बाजार चले जाओ और मेरे लिए एक मछली फंसाने वाला जाल और एक तीतर लाकर दे दो। बेटी के कहने के अनुसार पिता ने वैसा ही किया। वो बाजार गया और बाजार से एक तीतर खरीदा और एक मछली पकड़ने वाला जाल ले आया। अगले दिन लड़की ने राजा के पास जाने की तैयारी की। उसने वो जाल अपने कपड़े उतार कर अपने ऊपर लपेट लिया और एक हाथ में तीतर पकड़ लिया और अपने घर में एक मेड़ा बंधा था, उस मेड़े के ऊपर बैठकर वो राजा के पास पहुंच गई। राजा ने पूछा, तुम कैसे आई हो। जवाब दिया, ना मैं पैदल आई हूं ना सवारी से, मैं अपने मेड़े के ऊपर बैठकर आई हूं। मैं अपने मेड़े पर बैठी भी थी और मेरे पैर जमीन पर रगड़ रहे थे। उत्तर सुनकर राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने फिर पूछा कि मेरी दूसरी शर्त थी कि ना कपड़े पहनकर आना ना बिना कपड़ों के। लड़की बोली, देखो मैं कपड़े भी नहीं पहने हूं और निर्वस्त्र भी नहीं हूं। राजा लड़की की इस बात से भी बहुत खुश हुआ, फिर बोला, क्या तुम्हें मेरी तीसरी शर्त याद है। लड़की ने कहा, हाँ लो मैं तुम्हारे लिए भेंट लेकर आई हूं। जैसे ही उसने वो तीतर राजा को देना चाहा, उससे पहले कि राजा उसे पकड़ पाता, लड़की ने वो तीतर छोड़ दिया, वो फुर से वहां से उड़ गया। राजा साहब देखते ही रह गए। लड़की बोली, महाराज ये तुम्हारी तीसरी शर्त थी, मैं तुम्हें भेंट लेकर तो आई पर वो भेंट आपको नहीं मिल पाई, तो समझ लो मैं तुम्हें भेंट लेकर भी आई और नहीं भी लाई। राजा लड़की की बुद्धिमता से बड़ा खुश हुआ। उसने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं
लड़की को दे दी। लड़की बोली, महाराज मैं आपसे कुछ और पूछना चाहती हूँ। राजा बोला, कहो। लड़की ने कहा, महाराज आपने मुझे कपड़ों में भी देखा और बिना कपड़ों के भी देखा, और एक लड़की बिना वस्त्रों के सिर्फ अपने पति के सम्मुख ही जा सकती है। आपने तो मुझे निर्वस्त्र देखकर मुझे पत्नी होने का अधिकार दे दिया। मैं अब अन्य किसी से अपना विवाह नहीं करूंगी। राजा सोचने लगा, बात तो इसकी ठीक है, अगर इतनी बुद्धिमान लड़की मेरी रानी बनती है तो मुझे और भी बड़े गर्व की बात है। राजा ने किसान से बातचीत करके उसकी लड़की से विवाह कर लिया। किसान की बेटी अपनी तीव्र बुद्धि की बदौलत उस राज्य की रानी बन गई। मित्रों, यह प्रसंग आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताना। मिलते हैं अगली बार अगली वीडियो में नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।